अरे सुदामा, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? मैं सोचता हूं कि मुझे तुम जैसा मित्र कहां मिलेगा। आचार्य का जीवन उस दिन सफल होता है जिस दिन वो अपना सारा ज्ञान, सारी विद्याएं अपने शिष्यों में बांट देता है। उसी दिन के लिए वो अधिकारी शिष्यों की प्रतीक्षा करता रहता है। सो आज तुम दोनों की तीव्र प्रतिभा के कारण मेरा जीवन सफल हो गया। आज मैं तुम्हें जीवन पथ पर आगे बढ़ने की अनुमति देता हूं। इस आशीर्वाद के साथ कि जो विद्या मैंने तुम्हें प्रदान की है वो जीवन की हर परिस्थिति में तुम्हारे काम आए, तुम्हें कभी भूले नहीं। आज गुरुदेव ने तुम्हें देश देशांतर का भ्रमण कराया? हाँ, बहुत दूर तक गए थे। अच्छा? हाँ, और तुम्हारे गांव के ऊपर से भी गए थे। मेरे गांव के ऊपर से? और तुम्हारी माता के भी दर्शन किए। तुमने मेरी माँ को कैसे पहचान लिया? तुमने तो उन्हें देखा ही नहीं है। परंतु तुमसे उनकी बातें तो सुनी है। उनके नाक की बाई ओर एक काला तिल है। हाँ। उनकी नाक दोनों ओर से छिदी हुई है। हाँ हाँ। और उनके बाएं हाथ पर एक घाव का निशान है। हाँ, एक बार गाय ने काट लिया था। वही है मेरी माँ। क्या कर रही थी? वही, दही बिलोकर माखन निकाल रही थी। माखन? माखन निकाल रही थी? और मैं तेरे लिए उनका माखन भी चुरा लाया हूँ। अरे सुदामा, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? मैं सोचता हूँ कि मुझे तुम जैसा मित्र कहाँ मिलेगा। तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो गई है, तुम चले जाओगे, फिर मैं अकेला रह जाऊंगा। अरे कृष्ण से मित्रता की है तो फिर किसी और मित्र की क्या आवश्यकता है? तुम्हें जब भी आवश्यकता होगी ना, मैं उसी समय दौड़ा चलाऊंगा। कभी आवश्यकता होने पर झिझकना नहीं, या मेरे पास आ जाना या मुझे अपने पास बुला लेना। वचन दे, ऐसा करेगा ना? बोल, मुझे भूलेगा तो नहीं? बोल, ऐसा करेगा ना? तुम्हारे जैसे मित्र को भूलना असंभव है मित्र, असंभव है।